focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech. कोई आ जाए हमसे भी प्यासा यही सोचकर कुछ धड़कने अब भी बचा रखी मेरा पहला मन था राजनीति में नए नए कूदे थे नए नए नौशाद थे तो तब भी मेरे कंधे पे हाथ रखा था चचा रवि वर्मा ने और जब वो मंच से नीचे उतरे शायद कोई कार्यक्रम था अखबार का और उसके बाद जब मैं उनको मंच पे बोल के निकला तब भी उनका ही हाथ मेरे कंधे पे था ये उनका प्रोत्साहन ये उनका विश्वास और ये उनका जज्बा हम लोग की प्रेरणा स्रोत है जब लखीमपुर खीरी की बात आती है तो मैंने एमबीए करने के बाद 3 साल नौकरी करी और नौकरी करने के बाद में लखीमपुर वापस जाने के बारे में सोचा तब पिताजी ने कहा बेटा क्या करोगे तो सबसे पहले मैंने कहा कि पिताजी लखीमपुर में जाके कुछ करेंगे मैं राजनीति करेंगे कि राजनीति तो करो बट करोगे क्या तो 15 दिन तक काफी सोच विचार किया सोचा क्या करेंगे मैं समझता हूँ उस बात को भी अब 10 साल बीत गए अभी ना हम नौजवानों में हैं ना बुजुर्गों में हैं कहीं बीच में ही मझधार में टहल रहे हैं पर एक बात बहुत विश्वास से कहना चाहता हूँ जो जज्बा मैंने आज आप नौजवानों के आवाज में ये नहीं रू में देखा जो हौसला आप लोगों के बीच आके जो एक एक पाक रूह होती है और उनका एक हौसला एक जज्बा आपका महसूस किया इसमें कोई दो राय नहीं है कि तराई और लखीमपुर का विकास अब कोई रोक नहीं सकता है सिवाय हमारे साथ में चचा को अगर बुजुर्ग कहूंगा बस अग्रज कह दूंगा आपका कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन है हमारे पास में लखीमपुर की पाक सरजमीन पाक मिट्टी है हमारे पास में एक विजन है तराई वेलफेयर एसोसिएशन के हर शख्स का एक विजन है जो अपने वतन को कुछ वापस देना चाहता है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईमानदारी की मिसाल है चचा रवि वर्मा जी जब मेरे अपने पिताजी से कहा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूं तो उन्होंने कहा कि बेशक आप कुछ करिए पर मुझसे कोई उम्मीद मत करिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6 साल लगे कि कुछ करना है कुछ करना है एक छोटा सा अपना घर था जो नौकरी के सिलसिले में नौकरी जब करते थे तब लिया था उस घर को बेचा खीरी टाउन के अंदर एक जोश में चुनावी वादा कर लिए थे वो वादा निभाया एक डिग्री कॉलेज बनाया आज 200 बच्चे वहां से शिक्षा के क्षेत्र में बीएड और बीटीसी की पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे पहला तो कुछ कर गुजरने की चाहे तो आप कर सकते हैं अगर पिताजी ने सिखाया है अगर तुम्हारी कमजोरी ईमानदारी है तो तुम्हारी ताकत भी ईमानदारी है मुझे हमेशा याद आता है कि जब हमारी दादी उषा वर्मा जी जब पिताजी और वो 7 चुनाव लड़ते थे तो मुझको साथ लेके जाते थे और जब तक वो आ नहीं जाती थी हमारे बूथ के ऊपर तब तक पिताजी क्या मजाल कि वो अपने बूथ पे साथ में चले जाए उनकी सफेद साड़ी और उस पर नीला एक बॉर्डर होता था मुझे सारी जिंदगी याद है उन सर के ऊपर हाथ रखती थी और हमेशा आशीर्वाद देती थी राजनीति हर जिले की बदली क्योंकि मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता सचिव हूं पर राजनीति लखीमपुर की अच्छे के लिए बदली है आज भी विचारधाराएं अलग हैं पर बाकी जिलों के मुकाबले लखीमपुर शांतिप्रिय है यहाँ पे अमन और चैन पसंद लोग हैं यहाँ के राजनीति में अभी भी वो लोगों का एक जो होता है आपस में टकराव वो वैचारिक होता है जब सब साथ बैठते हैं तो बात करते हैं मैं समझता हूं संसद से लेके विधानसभा तक जो कुछ हमारे एक राजनीति में जो लोग हैं उनका जो काम होता है वो अगर सिर्फ 25-30% अपनी जिम्मेदारी समझ लें तो ये खीरी का भविष्य है चचा निसंदेह ये विधानसभा से लेके संसद में आने वाले समय में आएगा आप हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं हम लोग को मार्गदर्शन दीजिए हौसला भी है जज्बा भी है कुछ कर गुजरने की चाह है और किसी शायर ने कहा है कि तू इंकलाब की परवाह ना कर अगर हो सके तो इंकलाब खुद पैदा कर।